हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टैटिक। तो आज मैं आप लोगों को कुछ माइक्स दिखाने वाला हूं जिन्हें आप न्यू यूट्यूबर हो तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, और आपको माइक परचेस भी नहीं करना पड़ेगा और आप बिना पैसे खर्च किए ही आपको माइक मिल जाएगा। तो आज देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे माइक्स हैं जिनके वजह से आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये वाला माइक आप पहले से देख चुके होंगे यूट्यूब में इसे कैसे बनाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा ईयरफोन। ये आप देख सकते हो ईयरफोन के जो स्पीकर्स है, दो स्पीकर को काट के आप एक माइक बना सकते हो, वो भी बिल्कुल आराम से। अगर आपका स्पीकर ख़राब हो गया है तब काटिए, वरना ऐसे वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है ब्लूटूथ। आपके पास मौजूद होगा, हर किसी के पास ये ब्लूटूथ होता है। तो आप सोच रहे होंगे ब्लूटूथ से कैसे वॉइस रिकॉर्ड करें, तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को एंड तक देखो, इसे मैं बताऊंगा पूरा तरीका से तीनों का तीनों यूज़ करके आपको। तो सबसे पहले हम ये वाला माइक को लगा लेते हैं जिसे जिसे हमने बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है आराम से। आप इसी तरह से बना सकते हो एक माइक, तो इसे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसे टेस्ट करने के बाद हम दूसरा माइक को लगाते हैं जो हमारा ईयरफोन वाला था, तो उसे आप लगाते हैं अभी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसे मैंने लगा लिया है। अब देखिए मैं जैसे ही कुछ बोल रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपके पास कोई टूटा फूटा ईयरफोन हो तो उसे इस तरह से यूज कर सकते हैं आप। तो हमारे तीसरे नंबर पे जो ब्लूटूथ है उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपना ब्लूटूथ को लाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लूटूथ है उसे ऑन करने कीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट कीजिए। ये देखिए आ गया, अब इसे मैं कनेक्ट कर लिया मैंने अभी। उसके बाद इसे गले में डाल के आप वीडियो ऑडियो सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल के द्वारा मैं यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ग्राफिक्स जा रहा है, इसका मतलब ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपके पास अगर ब्लूटूथ है तो आपको माइक की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको मेरा ओरिजिनल माइक को दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो माइक और वो जो तीनों माइक्स मैंने बताया था वो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप देख सकते हो बस कुछ फर्क नहीं होता है, बस बैकग्राउंड में जो होता है नॉइज़ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है ओरिजिनल माइक में, और बाकी सब एक जैसा ही वॉइस रिकॉर्ड होता है। तो आप लोग इस वीडियो में समझ चुके होंगे कि आप कैसे घर बैठे माइक बना सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।